और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, पर इतना जो आप इतना फॉर्मली सब ऑर्गेनाइज करते हो, हम लोग इतना यूज टू नहीं है, बट इट इज़ रियली नाइस, अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर. तो आई लाइक टू स्टार्ट विथ हियर वी आर, लाइक द टॉपिक इज हाउ टू डेवलप बिजनेस मॉडल कैनवास, राइट. मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में होंगी और बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी कि होता क्या है, ठीक है. अभी हम सब लोग नवाचार की बात कर रहे थे, इनोवेशन, और एक्चुअली अगर मैं बोलूँ आज के टाइम में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये चीज़ बहुत क्लियर है. मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में नहीं जाऊँगी, ऑलरेडी एक सेशन में मैंने बताया भी है कि आप लोगों के लिए आज के टाइम पर एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट दी चांस और चॉइस, कि आपको कोई पुश कर रहा है तो चलो मुझे चांस मिला मैंने कर लिया या मैं ऑप्ट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नीड बन चुका है. अगर हमारी फ्यूचर जनरेशन को आप एम्प्लॉयड देखना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज द ओनली एंड द लास्ट ऑप्शन जो कि उनको स्टार्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए. और इसमें भी दो चीज़ें होती है, दैट यू डोंट थिंक कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है. आपके पास दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है. एंटरप्रेन्योर होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं. जैसे हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, गूगल न्यूज़ की बात करते हो आप, ठीक है. आप ये जो गूगल न्यूज़ या गूगल के डिफरेंट फीचर्स आ रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि कौन लेकर आ रहा है, उन्हीं के एम्प्लॉयज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम कर रहे हैं और वो एक नया इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, ठीक है. तो कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, और अगर आप इस कैटेगरी के लिए जाना चाहते हो तो आपको एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा. और दूसरी कैटेगरी है जहाँ आप अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करते हो, तो आपको उसके लिए भी एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा. और यहाँ पर जब हम नवाचार की बात करते हैं, जिससे हम लोग एक्चुअली जैसे इनोवेशन वर्क बोलते हैं, तो बहुत भारी वर्कम लगता है, हम लोग कहते कि कैसे होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो काफ़ी लोग डर के हमारे शुरू नहीं करते. बट मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ वॉट इज नवाचार. नवाचार इज सिंपल. पहले अगर आप लगेज कैरी करते थे, अगर आपको बोलते हैं आप कैरी करते थे, हाथ में लेकर लगे चलते थे, किसी ने उसमें व्हील ऐड कर दिया और वो आपको इतना कन्वीनियंस दे दिया कि आप उसमें व्हील पे ड्रैग करते उसको, राइट. तो एक ये बहुत छोटा सा इनोवेशन है, लेकिन इस इनोवेशन ने इतना कन्वीनियंस क्रिएट कर दिया लोगों के लिए कि वो चल पड़ा. तो आप इस तरीके से सोचिए कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को कैसे कन्वीनियंस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इनोवेशन भी आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा. केवल छोटे छोटे इनोवेशन से, हम स्विगी की बात करते हैं, आज यूनिकॉर्न है, लेकिन क्या करा उसने, कुछ भी नहीं किया. आपको केवल जो जोमैटो कर रहा था, एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा था मेन्यूज की, वो सिंपल उसने घर पे आपको पहुंचा दी, वही चीज उसको घर पहुंचा दी, दैट्स इट. तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बट उन्होंने लोगों को कन्वीनियंस दे दी कि नहीं, पहले आप लिस्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर रहे थे, अब आप घर बैठ के ही उसको खा लीजिए, रादर देन चूजिंग द रेस्टोरेंट एंड देन मूविंग देयर, आप घर बैठ के खा लीजिए. तो पॉइंट ये है कि नवाचार को बहुत डरिए मत. जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे, इसको इस तरीके से सोचेंगे कि हमें किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें कन्वीनियंस देनी है किसी को, तो आप ऑटोमेटिकली इनोवेशन करने लग जाओगे, ठीक है. और उसका सबसे, जब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, तो मैं शुरुआत कर चुकी हूँ, अगर बोलती हूँ तो बिजनेस मॉडल है क्या. बिजनेस मॉडल बहुत बाद में आता है, लेकिन आपको शुरुआत जो होती है, छोटे छोटे पिलर्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली मॉडल क्रिएट हो जाते हैं. तो पहली चीज मैंने जैसे आपको बोला कि आप कुछ मत करिए, केवल ये देखिए कि हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब आप यहाँ बैठे हो, आपके सराउंडिंग्स में हो सकता है प्रॉब्लम आपको दिखती है रोज, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा मुझे क्या सोल्यूशन देना है. आप उसका सोल्यूशन देखना शुरू करिए. एक बार जब आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम किसी और की नहीं, हम स्टूडेंट्स के बीच में ही है. तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कस्टमर सेगमेंट कौन सा है, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है. तो कहने का मतलब है, अगर आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज कर लीजिए. माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मेरा ऑब्जर्वेशन ही बदल जाए, मैं जहां पर खड़ी हूँ मैं कन्वीनियंस कम देखूँ और प्रॉब्लम ज्यादा देखूँ. और ये भी प्रॉब्लम जिस दिन देखना शुरू कर दूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में सोल्यूशन भी आना शुरू हो जाएगी. सही बात है, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. और वो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, पहली चीज जिसके लिए कस्टमर पे करने को तैयार,
ठीक है, और जिसके लिए पूरा मार्केट आपके पास हो। अब बहुत मतलब मैं इसलिए इसको बात बोल रही हूँ क्योंकि बहुत छोटी प्रॉब्लम पे आप ये बात कह रहे हैं कि हम वेंचर क्रिएट कर रहे हैं, है ना। आपका वेंचर क्रिएट करने के लिए सफिशियंट कस्टमर साइज होना चाहिए, कस्टमर पे करने को तैयार होना चाहिए, मतलब कस्टमर का पेन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज है प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, और प्रॉब्लम ऐसी हो जिसमें आप कुछ कन्वीनियंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जस्ट ये देखो व्हाट द कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टू द कस्टमर। पर वो कन्वीनियंस ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए कस्टमर पे करने को देना हो जाए, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, सबसे पहले प्रॉब्लम से शुरू करो, और जैसे तुम प्रॉब्लम ढूंढने लगोगे तो ये भी पता चल जाएगा मेरा कस्टमर कौन है, ये कौन फेस कर रहा है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम हर वक्त अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लेके जाते हैं और फिर कस्टमर ढूंढते हैं, है ना। हमें वो नहीं करना है, आप प्रॉब्लम कस्टमर के बीच में जाके ढूंढो, मार्केट में जाओ, कॉलेज में घूमो, बच्चों के बीच में घूमो, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम निकालो, हर चीज से हर जगह देखो प्रॉब्लम कहाँ है, और जैसे आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कस्टमर कौन है, कस्टमर मिल जाएगा आपको वहीं पर क्योंकि वो प्रॉब्लम फेस करता है। तो पहले प्रोडक्ट बना के कस्टमर ढूंढने की बजाय आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको खुद को पता चल जाएगा ये कौन फेस कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको रिकन्फर्म कर लो। रिकन्फर्म का मतलब है कि सपोज करिए मैंने किसी प्रॉब्लम की बात की कि मैं एक बहुत रिमोट एरिया के अंदर एक सोसाइटी है और वहां पर बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी सेंटर नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो शाम को घूमते रहते हैं। आप अपने रूरल एरिया की बात कर लीजिए, यहाँ पे शायद शाम को बच्चे ऐसे ही घूमते रहते होंगे, सही कह रही हूँ। उनके पास ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पर वो जाकर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सके, पर हमने कभी सोचा नहीं, तो एक ही प्रॉब्लम है, समझ गए आपको। अब प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ उसमें कस्टमर कौन है, कस्टमर कौन है, बच्चे नहीं है, उनके पेरेंट्स हैं, और यूजर कौन है, बच्चे, समझ गए। तो आपकी प्रॉब्लम दिख रही है आपको सामने, पर आपने सोल्यूशन कभी नहीं सोचा। इस तरीके से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, और जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे जिस जगह करोगे आपको मार्केट भी पता चल जाएगा, आपको कस्टमर भी पता चल जाएगा, और कस्टमर में ये भी पता चल जाएगा कस्टमर कौन है और यूजर कौन है, ठीक है। अब जब आप इस तरह से पता करते हो तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोगों के बच्चे घूम रहे हैं, राइट। अब हर कोई तो पे नहीं करेगा, तो अब आपको उसमें भी जाकर ही देखना पड़ेगा कि एक्चुअली पेन किसको होता है जिसका बच्चा ऐसे घूमता है ना और उसको कुछ डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे, ऐसा पेन पॉइंट किस पेरेंट्स का है, ठीक है। एक्चुअली वो आपका फर्स्ट कस्टमर है, आपको उस सेगमेंट में जाकर उस तक रीच करना है। कस्टमर तैयार, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, कस्टमर तैयार है, आपको सोल्यूशन ढूंढना है, किस पर आप आएंगे नेक्स्ट सोल्यूशन, ठीक है। और सोल्यूशन क्या होना चाहिए उस कस्टमर के, मैं सोल्यूशन नहीं क्रिएट करूंगी, मैं एक आइडिया लूंगी, जस्ट उससे पता करूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है, राइट। समझ रहे हैं डिफरेंस। पहली बात, मैंने प्रोडक्ट क्रिएट नहीं किया, मैंने प्रोडक्ट प्रॉब्लम से निकाला और उस कस्टमर से, उसकी कस्टमर की प्रॉब्लम से मैंने प्रोडक्ट निकाला। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए वो भी मैं नहीं बताऊंगी, मैं जस्ट एक सोल्यूशन क्रिएट करके वापस उसके पास जाऊंगी, पूछूंगी आपको ऐसी चीज चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए कस्टमर आइडेंटिफाई हो गया, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, और आपको ये भी पता चल गया कि सोल्यूशन क्या चाहिए उसको। तो मे बी ही विल से कि भैया एक या दो एक्टिविटीज होनी चाहिए, और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट प्लेस है वहां पर आप शाम को दो घंटे के लिए रेंट पे ले लीजिए और बच्चों को बुला लीजिए, एक दो फैकल्टी स्कूल ट्रेनर को बुला लीजिए, यहाँ पर बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे और सोल्यूशन होगा, एग्री, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम, बहुत मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ओके। तो अब मैं आ रही हूँ बेसिकली, मैंने एक आपको जस्ट बेस बता दी, कस्टमर प्रॉब्लम और सोल्यूशन तीनों चीजें एक साथ आती है, आपको अलग अलग बिल्डअप नहीं करना है कि पहले मैं सोल्यूशन क्रिएट करूँ फिर कस्टमर के पास जाऊँ और फिर उसके उसको ढूंढूँ कि कहाँ पर है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। मैंने आपको बिजनेस मॉडल के कुछ कॉम्पोनेंट समझा दिया, लेकिन बिजनेस मॉडल होता क्या है मुझे एक बात बताइए, पहले कॉफी कैसे आती है, कॉफी कॉफी हम पीते हैं, पहले कैसे इनिशियली कैसे आती है, इंस्टेंट आती थी, उससे भी पहले कैसे आती थी, सीड्स आते थे कॉफी, आप घर लेकर आते थे, उसको ग्राइंड करते थे, बहुत मेहनत करती थी और फिर कॉफी बनती थी। फिर किसी ने सोचा कि सीड्स की जगह पाउडर ही दे देते हैं,
उसने क्या सोचा, कन्वीनियंस, और कोई बहुत बड़ा इनोवेशन किया, कुछ नहीं किया, केवल सीड्स को ग्राइंड करके आपको प्रोवाइड कर दिया और आप उसके लिए 10 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अब जब ग्राइंड हुई तो उसके बाद किसी ने सोचा कि भैया पाउडर भी क्यों दें, हम तो रेडीमेड दे देते हैं, तो उसके लिए भी कस्टमर को कन्वीनियंस दी। आपके हर के लिए कस्टमर सेगमेंट है, हर के कस्टमर सेगमेंट भी चेंज हो रहा है, उसमें भी उसको कन्वीनियंस दी। तो कुछ लोगों को लगा ठीक है रेडीमेड कॉफी पी लेते हैं और उसके लिए भी ज्यादा पे करने को तैयार होंगे। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने हो रहा है, पर आपने सोचा इसके बिजनेस मॉडल क्या है, इसमें बिजनेस मॉडल क्या है। ये जो बिजनेस मॉडल कैनवास की बात करते हैं, ये कैनवास क्या है, बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं, इसमें बिजनेस मॉडल क्या है। आपने हर वक्त एक वैल्यू पे की, डिलीवर की और कस्टमर से पैसा ले लिया, यही तो किया। तो एक्चुअली अब बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, बिजनेस मॉडल कुछ भी नहीं है, वो आपको एक इमेज देता है। इमेज क्या देता है कि मेरा बिजनेस कैसा दिखेगा, राइट। आप एक डिजाइनर के पास जाते हो, ड्रेस की डिजाइन देते हो, विजुलाइज करते हो मेरी ड्रेस ऐसे दिखेगी, राइट, और उसमें आपको बहुत क्लियर होता है कि इस कलर का होगा, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवाएंगे, इस तरह का सब कुछ होगा। तो हमारा वो जो विजुअलाइजेशन है बहुत क्लैरिटी के बाद आता है, राइट। ऐसे बिजनेस मॉडल का जो विजुअलाइजेशन है, जो आपका बिजनेस कैसा दिखेगा, वो बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है, ये है बिजनेस मॉडल सिंपल, हाउ यू आर क्रिएटिंग वैल्यू, हाउ यू आर डिलीवरिंग द वैल्यू एंड कैप्चरिंग द वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर। क्या वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो, उसको कैसे कस्टमर को दे रहे हो और उसे कैसे वैल्यू दे रहे हो, दिस इज व्हाट बिजनेस मॉडल। ठीक है, अब आता है बिजनेस मॉडल कैनवास। तो बिजनेस मॉडल कैनवास में 9 पिलर्स होते हैं, राइट, और हम लोग यूजुअली गलती क्या करते हैं बच्चों से, सीधा बोलते हैं बिजनेस मॉडल कैनवास का नहीं। बिजनेस मॉडल कैनवास तो एंड की चीज है, जब आप प्रोटोटाइप बनाने जा रहे हो उसके पहले का ही स्टेप है, और प्रोटोटाइप का मतलब आप सब कुछ सोच चुके हो। तो बिजनेस मॉडल कैनवास की जगह आप उसके पिलर्स पे धीरे धीरे बच्चे से काम कर रहे हैं। 3 पिलर पे हम काम कर चुके हैं, कस्टमर प्रॉब्लम एंड योर सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कस्टमर को जो आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं बेनिफिट्स पे आप अपनी चीजें बेचेंगे। एग्री, उनको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, कि आप क्या बेनिफिट्स उनको दे रहे हैं जिसपे आप अपना, हम ये गिनाएंगे ना कि हमारा, हमारे इंस्टीट्यूट का ये फीचर्स है, आप यहाँ पर आओगे तो बच्चे को ये स्टडी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करवाएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ये स्किल बिल्डिंग आ जाएगी, ये प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो बेनिफिट्स आप एक्सटेंड कर रहे हो अपने सोल्यूशन से, वो कुछ भी नहीं है, वो आपकी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, जिसको आप जो प्रोडक्ट को बेचते हो उसके फीचर्स गिनाते हो। आप जब मोबाइल लेने भी जाते हो तो आपको फीचर्स गिनाते हैं, राइट, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट के फीचर्स क्लियर होने चाहिए जिसपे आप अपने प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं। तो एक चौथा पिलर जो आता है बिजनेस मॉडल में, उसको हम कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ठीक है, तो आपके 4 पिलर हो गए। अगर मैंने प्रॉब्लम ढूंढी तो कस्टमर मुझे मिल गया, उस कस्टमर के लिए मैंने सोल्यूशन क्रिएट किया, और सोल्यूशन के फीचर्स में क्या दूंगी, वो आपकी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन हो गई। समझ में आ गए? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसको तो कोई भी कॉपी कर सकता है, इसको कोई भी कॉपी कर सकता है, तो अब हम क्या करें। तो देयर कम्स अ कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, कि आप ये देखें कि इस तरह का सोल्यूशन मेरे सराउंडिंग्स में, उस मार्केट में और कौन दे रहा है, मेरा कॉम्पिटेटर कौन है, और उससे आपको कैसे आगे बढ़ना है या मुझे कैसे उससे अलग खड़ा होना है। तो वो चीज आती है आपकी अनफेयर एडवांटेज। अनफेयर एडवांटेज 5th ब्लॉक है बिजनेस मॉडल का, टोटल 9 ब्लॉक्स होते हैं उसमें। तो अनफेयर एडवांटेज क्या है, कि मैं कैसे अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकता हूँ, मैं ऐसी कौन सी चीज लेकर आऊ जो कोई भी नहीं दे रहा। स्विगी हैज स्टार्टेड फर्स्ट बाय डिलीवरिंग दी फूड एट योर होम, उससे पहले कोई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं कैसे मार्केट में सस्टेन रहूं, मैं कौन सी ऐसी चीज दे रहा हूँ जो कोई भी नहीं दे रहा है, वो आपकी होती है अनफेयर एडवांटेज, और अलग हटके होती है जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो फीचर्स में आप प्रोडक्ट को बेचोगे, अनफेयर एडवांटेज पे आप मार्केट में सस्टेन रहोगे। ओके, एंड उसके बाद ये आता है कि जब मैंने सब कुछ कर लिया, मैं अपना प्रोडक्ट इस चैनल के थ्रू कस्टमर को दूंगा। तो देयर कम्स अ 6th ब्लॉक व्हिच इज कॉल्ड चैनल। और चैनल क्या होता है, पहली बार मैं कैसे अपने कस्टमर को बताऊंगा कि व्हाट इज माय प्रोडक्ट ऑल अबाउट। तो एक अवेयरनेस चैनल होता है, आप कितनी बार ब्लॉग के थ्रू पता चलता है, यूट्यूब के थ्रू पता चलता है, टीवी के एड के थ्रू पता चलता है, फ्लेक्स यू नो होर्डिंग्स के थ्रू पता चलता है,
तो आप अवेयर करवा रहे हो कस्टमर को हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट। उसके बाद सेकेंड आता है कि बेचते हैं वो आपने इन्फॉर्म कर दिया, उसको डिलीवर कैसे करोगे, तो उसका चैनल भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हम होम डिलीवरी देंगे, हम ऑनलाइन बेचेंगे, हम करेंगे, तो वो चैनल भी क्लियर होना चाहिए। और थर्ड चीज होती है कि आप जब बेच देंगे तो उससे पैसा कैसे होंगे। तो आपका जो सिक्स्थ ब्लॉक है वो चैनल्स का, जहां पर आप पूरा कैसे डिलीवर करोगे वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद आपका नेक्स्ट ब्लॉक आता है की चैनल्स। की चैनल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा बिजनेस राइट पाथ पे है या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मुझे अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना है तो आपके पास तो स्कोर कार्ड होता है, स्टूडेंट का हर पीरियोडिकली हम असेसमेंट करते हैं, उनका स्कोर कार्ड बता देता है कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो। तो मुझे भी अपने बिजनेस में बहुत इंटीग्रिटी रखनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं 3 महीने तक फालतू में बैठी रहूँ ये सोच के मेरा कस्टमर आ जाएगा। मुझे टारगेट सेट करना चाहिए कि 3 महीने में मेरा अगर 10 कस्टमर आ जाते हैं तो मैं सही बात करूँ, अगर मेरे 4 महीने में 50 कस्टमर आ जाते हैं तो मैं सही बात करूँ। तो दिस इज वॉट यू हैव टू थिंक अबाउट दोज की मैट्रिक्स। और वो की मैट्रिक्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, आपका इनिशियल स्टेज पे अलग होते हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता है तो अलग स्टेज पे होते हैं, स्विगी जोमैटो के अलग स्टेज पर है। तो वो की मैट्रिक्स अगर आप परफॉर्मेंस मेजर करते रहोगे तो आप सही ट्रैक पे चलोगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब फेल हो जाते हो, राइट। एंड द लास्ट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका 8th और 9th ब्लॉक जो बिजनेस मॉडल का है कि मेरा कॉस्ट हेडिंग्स कौन से हैं और मेरा रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो कॉस्ट हेडिंग्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, हम लोग 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट पर बात करते हैं। एक होती है आपकी स्टार्टअप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। अभी बहुत डिटेल की चीज है, बहुत शॉर्ट में नहीं हो सकता, लेकिन कॉस्ट आपको ये बता देती है कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है। और हर वक्त हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप कॉस्ट में केवल वेरिएबल कॉस्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए, आप बहुत ज्यादा पैसा मत कर रहे हैं, ठीक है। और आपका जो कॉस्ट एक बार आपने असेस कर लिया, उसके बाद आप जाइए रेवेन्यू पर कि मेरा प्राइसिंग क्या होगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर वक्त एंटरप्रेन्योर्स गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जब आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हो आपकी कॉस्ट बहुत हाई होती है और वो उस कॉस्ट से मार्जिन निकाल के प्राइसिंग करते हैं और वो वहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि लोग